आपका लास्ट सीन तो लाजवाब है बट यह सीन लोगों को थिएटर के अंदर खींच लाने में कितना सक्सेस होता यह तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा ना तो देखते हैं फिर चलो आ जाओ नेक्स्ट कमेंट प्लीज़ वॉट अ ट्रेलर जस्ट स्मॉल थिंग्स आर मिसिंग लाइक एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी एक्सप्रेशन एंड इम्पैक्ट वाह भाई वाह यहाँ तुमने बेज्जती भी कर दी और आपकी बुराई भी नहीं हुई ऐसे शब्द चूज़ किए हैं आपने समझ रहे हो नहीं समझे तो फिर से सुन लो एक्टिंग डायलॉग डिलेवरी एक्सप्रेशन एंड एम्पैक्ट एवरीथिंग इज मिसिंग ऐसा लोगों का कहना है भाई मेरा नहीं ठीक है चलो अपन नेक्स्ट कमेंट पढ़ें क्या कहा गया है आ जाओ अक्षय कुमार एट फिफ्टी प्लस इज प्लेंग द रोल ऑफ इंडियाज़ ब्रेवियस्ट रूलर हु वॉज मडियड वेन ही वॉज ट्वेंटी सिक्स होप ही डज जस्टिस टू द रूल बिकॉज रिजट टोकास हैज सेट दार वेरी हाई फॉर पृथ्वीराज कैरेक्टर ओके सबसे पहली बात रजत टोकस टेलीविजन एक्टर हैं और इन्होंने टीवी पर पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर बहुत मेहनत करके और बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों के बीच पेश किया है और अब लोग चाहते हैं कि अक्षय अच्छा भी इसमें थोड़ी और मेहनत करें और इसे वन ऑफ़ द बेस्ट वॉरियर मूवी की तरह लोगों के बीच पेश करें ना द नेक्स्ट कमेंट इज द ट्रेलर सीम्स फाइन बट अ पार्ट ऑफ माई स्टिल फील्स अक्षय सर डिडन्ट डू जस्टिस विद सम्राट पृथ्वीराज चौहान कैरेक्टर द करिश्मा इज स्टिल मिसिंग पर्सनली आई फील द कास्टिंग इज नॉट सो ग्रेट दिस रोल वॉज डिजर्वेबल फॉर सम वन एल्स यहाँ पर भाई का कहना है ट्रेलर तो ठीक है बट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में अक्षय कुमार उतने खास नजर नहीं आ रहे हैं और इस कैरेक्टर को कोई और बेहतर तरीके से निभा सकता था ऐसा भाई का कहना है आपका क्या कहना है यह बात मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और वीडियो की कमेंट्स रीड करेंगे तब तक के लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें